बिकॉज उस केस में ज़्यादा अमाउंट में फूड बनेगा तो क्रॉप ईल्ड बढ़ेगी और अगर फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है तो फूड का अमाउंट भी कम बनेगा और क्रॉप ईल्ड भी कम हो जाएगी नेक्स्ट देखिए फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन सेवरल फॉलोइंग फैक्टर्स लाइक फोटोसिंथेसिस जो होता है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जैसे देखिए फर्स्ट इज द इंटरनल और प्लांट फैक्टर्स फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स फर्स्ट देखिए इंटरनल फैक्टर इसको प्लांट फैक्टर भी कहते हैं और ये फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है फर्स्ट देखिए जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन देखिए प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है उसकी प्रवृत्ति या हैबिट कि वो हैबिटवाइज प्लांट कैसा है नेक्स्ट देखिए दीज आर जेनेटिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स एक प्लांट का अपना जेनेटिक फीचर होता है उसके अकॉर्डिंग वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है फिनोटिपिक डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स हर एक प्लांट का अपना हाइट होता है हर एक प्लांट का अपना स्टेम डायमीटर होता है वो सब उसका जेनेटिक फीचर होता है नेक्स्ट देखिए फिनोटिपिक डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई एनवायरमेंटल फैक्टर एक प्लांट के अंदर जेनेटिक फीचर के अकॉर्डिंग ग्रोथ होती है लेकिन फिर भी उसका फिनोटिपिक ग्रोथ जो होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है अगर देखिए सॉइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं मिनरल्स हैं एलिमेंट्स हैं तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ परफॉर्म कर पाएगा और अगर कोई भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी है मिनरल डेफिशिएंसी है तो प्लांट अपने जेनेटिक फीचर वाइज ग्रोथ परफॉर्म नहीं कर पाएगा नेक्स्ट देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीसीज हर एक प्लांट के स्पीसीज वाइज वो फोटोसिंथैसिस परफॉर्म करता है ठीक है नेक्स्ट देखिए नंबर टू इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इनक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिलेटेड विद हायर अमाउंट ऑफ फूड एंड ग्रोथ देखिए अगर कोई प्लांट अच्छे से ग्रोथ परफॉर्म करता है नंबर ऑफ लीव्स इंक्रीज होती है ब्रांचेज बढ़ती है रूट बढ़ते हैं तो उस केस में उसकी ग्रोथ भी अच्छे से परफॉर्म होगी बिकॉज नंबर ऑफ लीव बढ़ने पर फूड अच्छे से बनेगा तो वो फर्दर ग्रोथ अपनी अच्छी परफॉर्म करेगा नेक्स्ट देखिए बेटर ग्रोथ सपोर्ट द प्लांट्स टू ग्रो लार्जर एंड मोर नंबर ऑफ लीव्स ब्रांचेस एंड रूट्स जब अच्छे से ग्रोथ करता है तो उसके उसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट का वैल्यू भी बढ़ेगा तो उससे उसमें फोटोसिंथेसिस अच्छी रेट से परफॉर्म होगा नेक्स्ट नंबर थर्ड देखिए क्लोरोफिल कंटेंट और अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट मोर नंबर ऑफ क्लोरोफिल कंटेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखिए क्लोरोफिल कंटेंट जो होता है वो मेनली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है अगर इनका नंबर इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा और अगर डिक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा नेक्स्ट देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखिए लीफ सेल जो हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट बनाती है और कार्बोहाइड्रेट बनने पर उसको फ्लोएम के थ्रू स्टोरेज पार्ट में सेंड किया जाता है अगर लीफ सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं हटाया जाएगा तो नए कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा इसलिए कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन या एक्यूमुलेशन बढ़ने पर लीफ सेल के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है नेक्स्ट देखिए नंबर साइज एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स मीजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट मोर नंबर ऑफ लीव्स लार्जर साइज ऑफ लीव्स न्यू यंग लीव्स हैविंग मीजोफिल विद मोर क्लोरोप्लास्ट विद प्रॉपर ओरिएंटेशन टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और यंग एज में होने पर का बढ़ता है कमिंग मतलब सनलाइट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए जिससे सीधी सनलाइट लीव सरफेस पर गिरे इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है और साथ में मिजोफिल सेल्स जो है उन्हें भी कंप्लीट लाइट मिलनी चाहिए और क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी इंक्रीज होने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है और इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी फोटोसिंथेसिस रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है नेक्स्ट देखिए इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन व्हेन लाइट एंड टेंपरेचर आर नॉट द लिमिटिंग फैक्टर्स जब देखिए लाइट और टेंपरेचर जो है वो प्रॉपर्ली सूटेबल वैल्यू के फॉर्म में प्लांट को ऑब्टेन हो रहे हैं तब देखिए इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस ट ऑप्टिम लेवल फॉर दैट प्लांट देखिए सीओ टू लेवल जो है अगर इंक्रीज किया जाएगा जब टेम्परेचर और सनलाइट सूटेबल फॉर्म में मिल रहे हैं उस केस में सीओ टू इंक्रीज होने पर एक ऑप्टिमम लेवल तक फोटो सिंथेसिस का रेट इंक्रीज होता है उसके बाद में इसका रेट कम हो जाता है नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स दीज फैक्टर्स इंक्लूड देखिए एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं फर्स्ट देखिए सनलाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग लाइट जो है उसका इन्फ्लुएंस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर तीन तरह से हो सकता है फर्स्ट देखिए क्वालिटी ऑफ लाइट इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट देखिए लाइट की क्वालिटी के अंदर वेवलेंथ जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की रेट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है जैसे देखिए रेड एंड ब्लू कलर्स ऑफ लाइट आर मोस्ट फेवरेबल फॉर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रेड और ब्लू कलर की लाइट पर होता है द ग्रीन लाइट इज मोस्ट इन इफेक्टिव एंड रिफ्लेक्टेड बैक देखिए ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का हमें ग्रीन नजर क्यों आता बिकॉज वो ग्रीन पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए ग्रीन लाइट जो होती है मोस्ट इन इफेक्टिव कलर की लाइट होती है नेक्स्ट बी देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट डेस्ट्रक द क्लोरोफिल दैट डिक्रीज इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट मिलने पर वो लाइट की इंटेंसिटी या वो लाइट की एनर्जी क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देगी जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा फिर देखिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट लाइट ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर

विद इंक्रीज इन सीओ टू कंसेंट्रेशन अप टू ऑलमोस्ट पॉइंट सिक्स टू वन परसेंट देखिए सीओ टू का वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो थ्री या जीरो कर तक करने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है और इसके बाद में इसका रेट कम हो जाता है बिकॉज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ सीओ टू जो है बिकम्स टॉक्सिक फॉर द प्लांट नंबर फोर देखिए वाटर लोअर द वाटर कंसेंट्रेशन डिक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथैसिस अगर पानी कम मिलेगा तो कैसे ही वह अपना फूड बना पाएगा इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन स्टोमेटा गेट क्लोज दैट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ सी ओ टू और पानी कम होने पर उसमें स्ट्रेस हार्मोन बनेंगे और स्ट्रेस हार्मोन जो है उसके स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे जिससे सी ओ टू का डिफ्यूजन रुक जाएगा हैंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस्ड और इस कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा लास्ट फैक्टर इज द केमिकल इनहिबिटर लाइक डीसीएमयू देखिए डीसीएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है यूरिया ये देखिए एक तरह का हर्बिसाइड है एंड स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ पी एस टू हर्बिसाइड मतलब जो हर्ब को किल करता है और पीएस टू को इनहिबिट कर देता है इट ब्लॉक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नोन ये प्लास्टोनॉन में एंट्री करने से पहले इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर देता है फिर देखिए इट किल्स दीड बाई इनहेबिटिंग सीओ टू फिक्सेशन और ये सीओ टू फिक्सेशन को रोक देता है जिससे वीड जो अनवॉन्टेड प्लांट है वो किल हो जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं एक नोट देखिए ऑल दोज अब फैक्टर्स एंड देयर इंटरक्शन एफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये सभी फैक्टर या इनका इंटरेक्शन जो होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिटरमाइंड एट एनी पॉइंट बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर उस फैक्टर के इफेक्ट की हेल्प से हम फोटोसिंथेसिस के रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अ नाइस डे